हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक बार ट्रांसफार्मर। जैसे कि फ्रेंड्स, पहले हमने ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स देख लिए थे, वाइंडिंग वगैरह, टैंक वगैरह देख लिए थे। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत और कार्य प्रणाली का, ट्रांसफार्मर का लाभ, ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण और ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है किसके आधार पर, यानी कि वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली। यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की देख लेते हैं एक बार। यहाँ आपको चैप्टर समझने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है जो अपना, तो इसमें जैसे जैसे आप टॉपिक्स आएंगे तो हार्ड से हार्ड आते ही जाएंगे धीरे धीरे। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पहले वाली वीडियो देखना जरूरी है, तो उसके लिए हमने इस वीडियो के लिंक, वीडियो का लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कार्य प्रणाली। फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा था हमारा ये एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारी एक वाइंडिंग हो गई, ये कोर और ये हमारी दूसरी वाइंडिंग। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये हमारी हो गई कोर, ये हमारी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि हम प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई देने के कारण यहां पे क्या होगा, हमारा घूमता हुआ यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण फ्रेंड्स यहां पे हमारे घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस वजह से ये जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो उस चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेगी, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र इस चालक का छेदन करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग का चालक का छेदन करेंगे, तो हमारे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें फ्रेंड्स, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें हमारे यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। किस वजह से, ये हमारी हो जाएगी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। फ्रेंड्स, ये मानता है हमारे कार्य प्रणाली। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा किस पे कार्य करता है, ओनली अल्टरनेटिंग करंट, यानी हमारे घूमते हुए जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो हमारा साइन वेव है, वो एक से एक ऊपर और 25 बार नीचे, यानी प्लस एक बार तो 25 बार पॉजिटिव और 25 बार नेगेटिव होता है। तो सिर्फ इसी की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे एसी पर आसानी से कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमारा अगला टॉपिक में आएगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसको नोट करना। अगला टॉपिक हम पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में मैं ये चीज़ आपको एक बार बता दूंगा। हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के लाभ। ट्रांसफार्मर का लाभ क्या है फ्रेंड, जैसे कि हम देखते अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ये हो गई एक प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारे पास हो गई कोर, और ये हमारे पास हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा घूमने वाली कोई मशीन नहीं है जो हमारे ट्रांसफार्मर में देखने को मिले, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लाभ हो गया कि इसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट, यहां पे घूमने वाला पार्ट नहीं है उसके कारण इसमें किसी भी प्रकार की, हमारे यहां पे देखे तो यहां पे हमारे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। इस वजह से जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है, ट्रांसफार्मर की जो हमारी दक्षता है वो हमारी होती है 92-98% सबसे ज्यादा। मशीन के अंदर अगर हम दक्षता देखें तो वो होती है ट्रांसफार्मर की, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का घूमने वाला पार्ट नहीं होता, तो किसी भी प्रकार की हानि इसके अंदर नहीं होती। अगला पॉइंट इसमें है कि अगर कहीं पे भी हमारे को स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज चाहिए, तो हम एसी सप्लाई के अंदर
एसी सप्लाई के अंदर ट्रांसफार्मर के द्वारा वो काम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। और एक ये उपकरण हमारा एक एसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदल देता है वापस से, कम और ज्यादा करके। अगर यहाँ पे मैं बात करूं डीसी की, तो इस डीसी के कार्य को अगर हमारे को बढ़ाना है तो हम वहां पे लेंगे, अगर हमारे को बढ़ाना है तो हम वहां पे लेंगे बूस्टर, वहां पे हम लेंगे बूस्टर जो कि हमारी डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है। और अगर हमारे को उसी जगह अगर डीसी वोल्टेज को घटाना है, यहां पे हम देखें घटाना है, तो वहां पे हम लेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हम लेंगे, प्रतिरोध हम यहां पे लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक ही काम को कम और ज्यादा करने के लिए हमारे को यहां पे दो दो चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि एसी के अंदर उसी काम को करने के लिए सिर्फ हमारे को एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ रही है। यही हमारे यहाँ पे क्या आता है, ट्रांसफार्मर का अच्छा लाभ होता है। दूसरा यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हम स्टेप अप और स्टेप डाउन की जैसे मैंने बात की, वैसे अब मैं बात कर लूं पारेषण और वितरण की। अब आप बोलोगे ये पारेषण और वितरण क्या है, तो फ्रेंड्स ये जब इसका चैप्टर आएगा, अलग से चैप्टर आएगा हमारा, आएगा पारेषण व वितरण, पारेषण और वितरण का जो चैप्टर आएगा, तो उसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारे एसी जो वोल्टेज हमारे को जो एक ट्रांसफार्मर से प्राप्त हो रही है, हमारे को एक ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज जो मिल रही है, उस वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के अंदर, इस काम को करने के लिए कम तार की, यानी कि कम लागत के अंदर, हम ऐसे मान लें जैसे हमारे पास एक यहां से जयपुर से लेके हमारे को कोटा बूंदी किधर भी हमारे को ये एसी आपूर्ति यानी कि सप्लाई हमारे को वोल्टेज लेके जानी है, तो इस काम को करने के लिए हमें पतले तारों के माध्यम से भी हम इसको एसी वोल्टेज को आसानी से ले जा सकते हैं। पतले तारों में भी इस चीज को हम आसानी से ले जा सकते हैं, जबकि इसी काम को अगर हम डीसी के लिए पूछे, डीसी के लिए बात करें, तो इसी काम को डीसी के अंदर मोटे तारों से करते हैं। फ्रेंड्स ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे ट्रांसफार्मर में, कि हम एसी काम को, एसी के किसी भी काम को करने के लिए पतले तारों की आवश्यकता होती है, और जबकि डीसी के वही काम करने के लिए मोटे तारों की आवश्यकता होती है। और जबकि डीसी के पारेषण के वितरण के अंदर हम बात करें, तो डीसी का पारेषण वितरण बहुत महंगा पड़ता है बजाय एसी के। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा एसी वोल्टेज में, जैसे मान ले हमने यहां पे वोल्टेज यहां से हमने मान लो यहां पे कर लिया हमने स्टेप अप कर ली। स्टेप अप करके जब हम इसको तारों के माध्यम से या तारों की सहायता से हम इसको आगे लेके जाएंगे, यानी मान लो यहां पे कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हम यहां पे दूसरे क्षेत्र में इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स होगा क्या, यहाँ पे तारों का भी कोई प्रतिरोध होगा, यानी कि रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस भी होगा कुछ तारों का। तो तार यहाँ पे हम एल्यूमिनियम के ले ले, चाहे कॉपर के ले ले, किसी के भी ले ले, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो उनका प्रतिरोध होगा। उस वजह से यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप करने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, जो वोल्टेज के अंदर हमारे क्या है, वोल्टेज में हमारे यहाँ पे गिरावट होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगी। मान ली यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे 440 वोल्टेज है, 440 वोल्टेज है हमारे को आउटपुट के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे हम मान लो 230 वोल्टेज मिल रहा है। प्रतिरोध होने के कारण, तारों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होने के कारण फ्रेंड्स यहाँ पे जो वोल्टेज है ड्रॉप होगी, तो यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे वोल्टेज 10
यानी कि वोल्टेज 220 हो गई, यहाँ पे 230 थी, यहाँ 220 हो गई, यानी कि हमारे 10 वोल्टेज है, 10 वोल्टेज वो यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या कर दिया, खपत कर दिया। अब इस 10 वोल्टेज की भरपाई करने के लिए, 10 वोल्टेज को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे दूसरा एक ट्रांसफार्मर यूज करके और इसी वोल्टेज को हम, हमारे को चाहिए कितनी थी, हमारे को यहाँ पे आउटपुट पे चाहिए थी 230 वोल्टेज, तो हम यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगाकर इसको 200, ये जो 10 हमारी कम हुई है वोल्टेज, उसको हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं, यहाँ पे वापस लेकर और यहाँ पे वापस 230 वोल्टेज, यानी जो हमारे को पहले आउटपुट पे मिल रही थी वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि इसी काम को करने के लिए डीसी के अंदर इसी काम को करने के लिए हम यहाँ पे रोटरी बूस्टर या मोटर जनरेटर सेट लेते हैं, जो कि एसी की बजाय बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है। महंगा होने के कारण हम ज्यादा इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ताकि हमारी यहाँ पे जो क्या है एसी आपूर्ति के अंदर ये चीज जो है वो बहुत ही चीप यानी कि सस्ती मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम दूसरा अगला टॉपिक देख लेते हैं, आउटपुट के हमारा वर्गीकरण, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है फ्रेंड्स, वो हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं, जो हमारा है आउटपुट, आउटपुट वोल्टता के आधार पर, आउटपुट वोल्टता के आधार पर फ्रेंड्स जो हमारे ट्रांसफार्मर है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है उच्चायक ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स आप बोलोगे टीएफटीएफ क्या लगता है, तो ये हमारा है ट्रांसफार्मर, तो उच्चायक ट्रांसफार्मर ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा हम देखेंगे यहां पे अपचायक ट्रांसफार्मर, यानी कि हमारे ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स हम सबसे पहले देख लेते हैं उपचायक ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या है वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं एसी के अंदर बहुत ही इजीली, तो वो सबसे पहले है हमारे पास उच्चायक ट्रांसफार्मर। जो उच्चायक ट्रांसफार्मर है वो क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे थे कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और ये हमारी यहाँ पे दो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फ्रेंड्स इसमें होता क्या है उपचायक के अंदर कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के जब हम एसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम देंगे, तो मान लो जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं 230 वोल्टेज, तो हमारे को उपचायक यानी स्टेप अप करना है। यहाँ पे हमारे को क्या करना है, स्टेप अप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम बनाएंगे 230 वोल्टेज के आधार पर, यानी कि जो इसमें टर्नों की संख्या यानी कि इसमें जो घुमाव होंगे कुंडली के वो 230 वोल्टेज के आधार पर यहां पर होंगे क्या कम। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होगी वो होगी कम, क्योंकि हमारे को वहां पे हम दे रहे कितने है उसको, वो कि जितनी सहन करी हमारे यहाँ पे 230 सहन करेगा, यानी कि उतने ही हम क्या देंगे इसमें टर्न। अब हमारे को क्या करना है अगले, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हमारे को क्या चाहिए, हमारे को यहाँ पे चाहिए मान लो 440 वोल्टेज। अब 400 आप बोलोगे 230 दे रहे हो 440 निकाल रहे, तो वो कैसे होगा, तो ये होगा हमारा कैसे, यहाँ पे जो हमारे टर्नों की संख्या होगी वो हम यहाँ पे रखेंगे अधिक रखने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जितनी ज्यादा यहाँ पे टर्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र तो बनी रहा है हमारा घूमता हुआ, जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को काटेंगे, और जितना ज्यादा काटेंगे हमारे इस साइड में उतनी ही ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया स्टेप अब ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से हमारे क्या होता है अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक ट्रांसफार्मर में क्या होता है अपचायक ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टेप डाउन। आप इसकी लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं कि जो हमारे लैंग्वेज ही हमारे को बता रही है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। स्टेप डाउन यानी कि हमारे जो हम जैसे अभी उपचायक में देखे सेम उसी का अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग। मान लो हम यहाँ पे दे रहे 440 वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे 440 वोल्टेज को सेंड करने के लिए यहाँ पे टर्नों की संख्या क्या होगी अधिक। और हमारे को इधर मान लो यहाँ पे हमारे को चाहिए 230 या तो, फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गए 440 वोल्टेज, यानी कि हमारे आगे से वोल्टेज आ रही है 440 वोल्टेज। ये 440 वोल्टेज हमारी क्या होगी थ्री फेज की जो वोल्टेज है वो हमारी क्या होगी 440 वोल्टेज। पर हमारे को घरों के लिए कितनी चाहिए अधिकतम 200 से ज्यादा से ज्यादा 230 या 240 वोल्टेज चाहिए। अब हमारे को 230 या 240 वोल्टेज चाहिए, तो हमारे को तो इधर 240 वोल्ट 440 वोल्टेज आ रही है। अब ये इधर इतनी सी कैसे मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी कि यहाँ पे अब 440 वोल्टेज को सेंड करने के लिए हम वाइंडिंग के जो टर्न रखेंगे वो रखेंगे अधिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 440 वोल्टेज इसको सेंड करानी है, तो यहाँ टर्नों की संख्या अधिक हो गई। अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स तो वही यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे को क्या है कम फ्लक्स कटेगा तो यहाँ पे आराम से और उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगी वोल्टेज क्या होगी कम होगी। ज्यादा जितने ज्यादा चालक होंगे उतनी क्या होगी हमारे वोल्टेज ज्यादा होगी। हमारे को चाहिए क्या कम स्टेप डाउन यहाँ पे बोल रहा है, तो स्टेप डाउन होगी तो टर्नों की संख्या होगी कम, तो यहाँ छेदन जो होगा चुंबकीय छेदन होगा वो होगा कम, तो कम होगा तो यहाँ पे आराम से 230 या 240 वोल्टेज हमारे यहाँ पे 240 वोल्टेज आराम से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का छेदन जो होगा जो चालक छेदन करेंगे वो कम करेंगे, तो कम करेंगे तो वोल्टेज भी हमारे को यहाँ पे क्या होगी कम मिलेगी। तो ये हमारे क्या हो गया स्टेप डाउन यानी कि अपचायक ट्रांसफार्मर हो गया। फ्रेंड्स ये थे हमारे आउटपुट वोल्टेज के आधार। फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो ये टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पहले वाली वीडियो देखोगे। और हमने पहली वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। चलो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो फ्रेंड्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे से सवाल पूछें फ्रेंड्स कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या कुछ अगर आपको टॉपिक आगे से कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए वो आप बता दें ताकि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करें, हम आपको वो बता सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।